श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलकल्पम् वाग्मय ममृतम जगत पिबती विश्व सर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षर परम धाम जगत धाम नमामि तत् हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साकृजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अनर्पितचरीं चरा करुणयावतीं कलौ समर्पयतुं नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियं हरिप्रटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदले स्फुरतमश्चिनन्दनः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्देऽहं श्रीगुरो वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरुणीदृशां वक्षो यत्प्रणीकृते विलसति स्निग्धोङ्गराकस्वकः काश्मीरं तविशोनिमुपदितले कस्तूरिकान्निधिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते तप्तकाञ्चनगौराङ्गि राधे वृन्दावनेश्वरि भुषुहान् सुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ती रहे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च करपासिन्दुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुतु मंद मतिर्दयान्द्रा बुलश वृंदावन बिहारी लाल की जय परम मंगल श्रीमद विदग्ध माधव नाटक श्री श्याम सुंदर माननीय श्री स्वामी श्री विश्वानंद ने उनको मनाने के लिए जिस समय पुष्प स्तवक लाए और उन पुष्पों के समूह को आपने कपड़े की कोठरी से खोल करके और उनको संपुटिका से जिस समय श्री किशोरी जी की अंचल में प्रदान किया अंचल में प्रदान करने के साथ ही साथ श्री प्रिया के मुखचंद्र का दर्शन कर रहे हैं प्रदान कर रहे हैं वस्तु कहीं और देख रहे हैं कहीं तो होगा तो सही गड़बड़ तो होगी हाथ में जो बंशी थी वो बंशी भी उस समय उन फूलों के साथ में श्री किशोरी जी की झोली में पहुंच गई और शिवप्रिया ने तुरंत ही उस वंशी को छिपा लिया है और वंशी को देखती हुई छिपाती हुई
वंशी को, वंशी को उस समय लक्ष्य करके कह रही है कि या निर्मात निकेत कर्म रचना रूहे कर स्तंभने। 35वां श्लोक है चौथे अध्याय अंक का। रात्रो हंत करोति कर्षण विधिम या पत्यो रंकादपि गौरी नाम कुरते गुरु रघुपुरु या नीव विध्वंसनम धूमता गोकुल मंगलस्य मुरली सेयम ममा वशा। कि आहा आज ये मुरली मेरे वशीभूत हो गई। और उस मुरली के प्रसंग में कह रही है कि या निर्मात निकेत कर्म रचना रंभे करस्तमनम। हम ग्रहणियों के ग्रह कार्य करने में 10 प्रकार के जो कार्य, ये वैशी जब बसती है तो 10 प्रकार के कार्यों को छोड़ करके हम श्याम सुंदर के पास में दौड़ी हुई चली जाती है। द्वंद्वो काश्य दो हमित्वा समुद्र का परयोधिम शुक्ति संयावम अनुद्वासिया परायण परिवेशयन्त स्थित्वा पायन्त शिशुन्तय शिशुषन्त पतिं काश्चित् अश्नन्ति उपास्य भोजनम लुम्बन्ते प्रमिजन्ति उन्या अन्यन्त काश्चित् लोचने व्यस्तस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्ति क्रियते। शुक्ल जी ने वर्णन किया और 10 कामों को बताया। 10 काम छोड़कर के गोपी श्री कृष्ण के पास में पहुंच जाती है। मुहावरा भी है 10 काम छोड़ करके कोई कार्य करता, तो ये मुहावरा वहीं से शुरू हुआ। ये 10 काम छोड़ करके वो कारण श्री कृष्ण के पास में पहुंची। तो जो वंशी हम गोपकारों को निकेत कर्म रचना आरंभ घर के 10 काम छोड़ा करके हमारे हाथों को जैसे जड़ बना देती है और श्री कृष्ण के पास में हमको खींच लाती है। रात्रो हंत करोति कर्षण विधिम या पत्य रंकादपि और प्रदोष काल में हमको घर के भीतर अंतःपुर में जो हम हैं उनको भी वंशी बजते ही बरबस हमको आकर्षित कर लेती है। और पति के निकट होने पर भी माने अंतःपुर में होने पर भी अंतःपुर के द्वार को भी धक्का देकर के पति मंद गोपों ने द्वार बंद कर दिए हैं पर उनको धक्का देकर के हम बाहर निकल जाती हैं और परकीय भावना को ही धारण करती हुई श्री श्याम सुंदर के साथ में वाद्यमानता माने रुकावट भय और दुर्लभता इन 3 अद्भुत भावों को धारण करके प्रेम के सर्वोत्तम आस्वादन को हम प्राप्त करते हैं। उस समय पति मंद गोपों के द्वारा भी रोकने पर नहीं रुकती है। तो रात्र मान रात्रि के समय हंत करो कर्षण विधि ये वैशी बरबस हमको आकर्षित कर लेती है। या पत्यो अंकागति पति की निकटता से भी हमको बरबस आकर्षित कर लेती है। अर्थात उनको भी कहीं निषेध करती हुई उनकी बात को भी नहीं मानती हुई द्वार खोल करके जो मूल गोपी हैं वे तो पहुंच जाती हैं रास में। जब इनके पति तालायमान पति भी पुत्र भी भ्रातृबंध भी जब रोकने का प्रयत्न करते हैं उस समय श्री योग माया कहीं मिलन में बाधा न पड़े इसलिए अलक्षित रूप से इनकी छाया गोपियों की रचना करके इनको घर में स्थापित कर देती हैं। छाया गोपी रहती हैं घर में, मूल गोपी पहुंच जाती हैं रास में। रास की समाप्ति होने पर जब छाया गोपी आएंगे उसके पूर्व मूल गोपी जब आएंगे तो छाया गोपी उनको योग माया अंतर्धान कर देंगी। परंतु छाया गोपियों को भी कभी पतिजनों का स्पर्श प्राप्त नहीं होगा। ऐसी वंशी है और गौरी नाम कुरते गुरु रघुपुरो या नीव विध्वंसनम। हम गौरी जनों का गुरु रघुपुरा गुरुजनों के आगे भी हमारे हृदय में मोटाई का भाव प्रकट कर देती है। अर्थात प्री की चर्चा होने पर प्री की चर्चा में रुचि लेना उसका नाम है मोटाई भाव। उस मोटाई भाव को प्रकट कर देती है मोटाई नाम करके जो अनुभव है
उस अनुभव को ये वंशी प्रकट कर देती है। तो गुरुजनों के आगे भी यदमीन विध्वंसनम, हमारे नीवी बंधन शिथिल हो जाते हैं, हमको अपने वस्त्रों का भी होश नहीं रहता है और हम लथपथ अवस्था में विराजमान हो जाती है। गुरुजन समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, ऐसी इनकी दशा क्यों हो गई। धूर्ता गोकुल मंगलस्य, ऐसे गोकुल के मंगल रूप श्री श्याम सुंदर की ये धूर्ता मुरली, मुरली के प्रति सपत्नी भाव विराजमान है, ये धूर्ता मुरली आज मेरे वशीभूत हो गई है। वंशी जब दूर है तो वंशी के प्रति सपत्नी भाव है, वंशी जिस समय राशि में श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त में विराजमान है उस समय वंशी विशिष्ट अर्थात दूती बनकर के श्री जुगल को प्रिया लाल को मिलाने वाली होकर के विराजमान है। तो वंशी में दोनों भाव, वंशी में सौदिया भाव डाव भी है और वंशी में सखी भाव भी है। रास में मिलन के समय श्याम सुंदर जब वंशी बजा रहे हैं उस समय वो वंशी सौत नहीं है बल्कि वह सखी होकर के जुगल को मिला रही है और सखी भी ऐसी दूती भी ऐसी जो निशिष्टार्था दूती, दो तरह की दूती होती है, एक दूती होती है कोई कार्य दिया जितना सा कार्य दिया उतने से अंश में कार्य पूरा कर दिया उसको हम कहेंगे वो संदेश हावी हो सकती है, पत्र हावी हो सकती है, ऐसी दूती जो केवल संदेश को लेकर के पहुंचाने मात्र का काम, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उससे लेना देना नहीं, परंतु वो अधूरी दूती है। पूर्ण दूती वो है उसका नाम है निशिष्टार्था दूती, जो कार्य को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाए, कार्य को अंजाम तक पहुंचाए उसका नाम है निशिष्टार्था दूती, जो अर्थ को कार्य को विशिष्ट माने पूरा करके ही छोड़े, सौगंध खा करके चले कि मैं कार्य को पूरा करके छोड़ूंगी। तो ये वंशी विशिष्ट अर्था दूती होकर के श्री युगल को परस्पर मिलाती हुई ही रास में विराजमान है। तो दोनों स्थिति है यहां पर, क्यों प्रिया जी दूर है इसलिए वंशी के प्रति कहीं ईर्ष्या भाव धारण करती हुई कह रही है कि आज ये वंशी मेरे हाथ में आ गई है, अभी तक दूर थी आज मेरे हाथ में आ गई है। आज गोकुल के मंगल रूप श्री श्याम सुंदर उनकी ये मुरली मेरी वशीभूत हो गई है, ऐसे शिवप्रिया ने जिस समय कहा कि जिसमें इतने इतने दोष थे वो आज मेरे वश में हो गई, अब इसको नहीं छोड़ूंगी। इसी भाव को कहीं धारण करती हुई जैसे वहां पे वेणुगीत में क्या आई है कि गोप्य के माचर दय कुशलम स्म वेणु, आई एम वेणु गोप्य, ये वेणु वास्तव में छिपाने लायक है, गोप्य गोपनीय रखने लायक है, छिपाने लायक है, यदि हमको कहीं मिल जाए तो इसको हम श्री गोवर्धन की किसी कंदरा में छिपा देंगे, यदि ये वंशी मिल जाए तो इसको किसी गुल्म में छिपा करके रख देंगे, यमुना में कहीं गाड़ करके छिपा करके यमुना के किनारे इसको रख देंगी। अरे वेणु गोप्या, ये वेणु गोपनीय है, क्यों बोले अधि सके श्याम सुंदर के आधार है अपूर्व जादूगर, वे जिस चीज को भी छू लेते हैं वो हो जाती है चेतन। आह श्याम सुंदर के अधरों का जादू देखो कि उन्होंने इस निर्जीव वंशी का स्पर्श किया जो कि पोली थी, जो कि छिद्र से दोषों से युक्त थी, परंतु श्याम सुंदर के स्पर्श को प्राप्त करते ही ये वंशी सचेतन हो गई। आप प्यारे कितने उदार हैं कि उन्होंने अपने अधराम से इस पोली वंशी को भर दिया और ये वंशी श्याम सुंदर से अधरों का स्पर्श प्राप्त करके केवल सचेतन ही नहीं हुई बल्कि बलवती होकर के देख देख हमारे ऊपर ही कैसी गरज रही है कि अरे धन की धनियानियों, अपने धन को यदि खुला छोड़ दोगी और उसको संभालने कभी नहीं आओगी तो जिसको वो धन मिलेगा वो उसका उपयोग करेगा।
श्री दामोदर अधर सुधाम अपि गोपिका नाम, दामोदर की अधर सुधा हम गोपियों की संपत्ति है, परंतु तो इस संपत्ति को यदि तुमने खुला छोड़ दिया तो ये संपत्ति आज मुझ मुरली को मिल गई है, और इस मुरली को मिल जाने पर मैं मुरली इस अधर संपत्ति का खूब प्रयोग करूंगी। यदि तुमको अपना धन संभालना है तो जल्दी से यहां आओ, तुम आओगी तो मालिक को आया हुआ देख करके जो कब्जा करने वाला है वो अपने आप डर करके भाग जाएगा, तो मैं इस मुरली को छोड़ दूंगी, और ये नहीं आती हो तो लो मैं तो तुमको दिखा दिखा करके खूब इस मुरली का पान करूंगी, इस मुरली का खूब आस्वादन दूंगी, तुमको रोका जाए तो रोक, ऐसा कह करके ये मुरली दामोदरा धर सुधाम अपने गोपिकानंद घूमते स्वयं ये स्वयं पान करती है, और इतना पान करती है कि अघा जाती है, जब वो रस अधरामृत इसमें रहता नहीं है तब अवशिष्ट रसम वो रस कहीं स्वर के साथ साथ अधरामृत कहीं बंशी के छोर से एक आध बूंद के रूप में जब श्री यमुना जी में गिरने लगता है तो वृंदावन की नदियां और वृंदावन के वृक्ष ये भी आनंदित हो जाते हैं। अवशिष्ट रसम हृदय में हृष्यत्वचो श्रुमुचुः तर्वो यथार्यः, आर्यः माने जैसे माता पिता, ये देख करके कि आहा आज हम धन्य हुए, हमारे वंश में एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसको कृष्ण अधरामृत सुख की प्राप्ति हुई, ऐसा विचार करके ऐसी कन्या उत्पन्न हुई मुरली हुई जिसको जिसने कृष्ण अधरामृत सुख का प्राप्त किया, ये प्राप्त करके जैसे माता पिता धन्य हो जाए ऐसे माता रूप ये नदियां श्री यमुना जी मानसी गंगा सरस्वती जी वृंदावन में पावन सरोवर में विराजमान अन्य कृष्णा कावेरी रूप जितनी भी नदियां हैं वे नदियां अपने आप को कृतकृत्य करके मानती हैं कि हमारे जल से सिंचित यह वंशी धन्य है धन्य है, और वृक्ष वे भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारे वंश में उत्पन्न होने वाली यह वंशी कृतकृत्य है धन्य है जो श्याम सुंदर के अधर सुधा का पान कर रही है। तो यद अवशिष्ट रसम हृदय पूरी तरह से अवशिष्ट रसम मन संपूर्ण रस को पान करती हुई यह मुरली विराजमान होती है। यह मुरली सदा सदा प्रिया भाव में ही श्याम सुंदर के पास में विराजमान है। वेणु शब्द का यद्यपि पुल्लिंग में प्रयोग किया गया परंतु पुल्लिंग में प्रयोग करने से कोई वेणु पुल्लिंग थोड़ी हो जाएगी, जैसे पत्नी शब्द के लिए संस्कृत में दारह शब्द का प्रयोग होता है, अब दार शब्द है संस्कृत में पुल्लिंग, कलत्र शब्द है नपुंसकलिंग, और स्त्री शब्द है स्त्रीलिंग, परंतु नपुंसकलिंग में या पुल्लिंग में प्रयोग होने से कोई स्त्री स्त्री थोड़ी है, ये थोड़ी है कि स्त्री का स्त्री पद समाप्त हो जाएगा, रहेगी वो दार भी स्त्री ही, ऐसे ही ये मुरली भी रहेगी कहीं प्रिया रूप में ही श्याम सुंदर के अधर का पान करने वाली प्रेस रूप में ही रहेगी। केवल शब्द के प्रयोग के कारण उसको उसके लिंग का कहीं परिवर्तन हो जाता है सो बात नहीं है, केवल व्याकरण की दृष्टि से शब्द में उसका पुल्लिंग प्रयोग हो रहा है, ऐसे वेणु शब्द का पुल्लिंग में भले प्रयोग हो रहा है परंतु वेणु का जो आचरण है वेणु का जो चरित्र है कंडक्ट है वो कंडक्ट उसका चरित्र नायिका का ही चरित्र है, इसलिए पुल्लिंग देख करके भ्रमित नहीं होना चाहिए, कह रही है कि हाय ये कैसी मर्दानी औरत है, ये एक निंदा में ये कहीं पुल्लिंग का प्रयोग कहीं निंदा अर्थ को कहीं प्रकट करने वाला है, परंतु उसकी नायकत्व जो है वो नायकत्व की समाप्ति कहीं भी नहीं। सो अयम वेणु गोप्य अयम ये पुल्लिंग का जो प्रयोग है गोप्य के माचक दयम कुशलम स्म वेणु अयम वेणु गोप्य, ये अयम शब्द कहने से कोई वंशी
नायिका नहीं रहेगी सो बात नहीं है, उसमें नायकत्व विराजमान ही रहेगा। जैसे दारह कहने से पत्नी उसकी स्त्री रूपता वह समाप्त नहीं हो जाएगी, नारी की स्त्री रूपता समाप्त नहीं हो जाएगी। सो आज ये धूर्ता मुरली मेरे वशीभूत हो गई है, ऐसे श्री प्रिया जी उस वंशी के प्रति टेढ़े वचन कह रहे हैं। इतने में ही पर्दे के पीछे से नेपथ्य से आवाज आती है कि अरे भौर, अरे वृंदावन के मुर्गो, तुमको पता है श्याम सुंदर कहाँ है, कहाँ है, ऐसे कोई पूछ रहा है। श्री किशोर कृष्ण तुरंत पहचान जाते हैं कि अरे ये आवाज तो मेरे मित्र मधुमंगल की है, ये मधुमन मंगल यही आ रहा है क्या। मधुमंगल वृंदावन के सारे वृंदावन के मृगों से पूछ रहे हैं, वो मृगा दृष्टो युष्मा तुमने क्या श्याम सुंदर को देखा क्या, मित्र को देखा क्या। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कथम मिलतीश मधुमंगल, बोले अरे ये तो मधुमंगल मुझे ढूंढता हुआ चला आ रहा है। इतने में ही बड़ी सुंदर माला दिए हुए मधुमंगल, ये चंद्रावली जी के द्वारा बनाई हुई माला है, उस माला को लेकर के मधुमंगल प्रवेश करते हैं श्याम सुंदर के पास। और मधुमंगल कहते हैं कि अरे सुमन मैंने नहीं श्रुतम सुमन मुखा अद्यो, मधुमंगल कह रहे हैं कि मैंने सुमन के मुख से सुना कि नुकुंज मध्य में श्री राधिका श्याम सुंदर को संकेत देकर के निकुंज सजा करके बैठी हुई थी, परंतु श्याम सुंदर वहां पर नहीं आए। आएंगे भी कैसे, क्योंकि श्याम सुंदर को तो मैंने और पद्मा ने श्री चंद्रावली जी से मिला दिया था और चंद्रावली जी की नुकुंज में वे पधारे थे, परंतु सुवर्ण के मुख से मुझे सुनने को मिला है कि आज निकुंज के बीच में राधिका रात भर जागती रही, कृष्ण की प्रतीक्षा करती रही, जागरण व्रत धारण करके वे विराजमान हुए। तो श्रोतम सुमरस मुखा यत अद्य निकुंज मध्य राधिका जागरण आसी, कि निकुंज मध्य में राधिका रात भर जागती रही और बड़ी व्याकुल रही, तत्त्वेन प्रोत्साहयिष्यामि, इसलिए मैं इस राधिका के पास में जाता हूं और श्री राधिका को भी धैर्य प्रदान करता हूं और उनको कृष्ण के प्रति यदि वे निराश हो गई हो तो उनको प्रोत्साहन प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर के श्री मधुमंगल पास में आते हैं और पास में आकर के वहां पर श्री कृष्ण को भी प्रोत्साहित करूंगा, कृष्ण के पास में जाता हूं, ऐसा कहकर के मधुमंगल गए। इत्युप सत्यो, ऐसा कहकर कृष्ण के पास में आए और कृष्ण से कह रहे हैं कि अविरल वनमाला लंकत स्निग्ध मूर्ति स्फुरित कटक कांति धापभिर मंडितांग अखिल भुवन तुंग नेत्र भंग्या विपुष्ट कथम सखराधे कृष्ण शैलस त्वया भू। अरे सखे राधिके, आश्चर्य की बात है कि तुमने केवल नेत्र की भंगी से कटाक्ष मात्र से कृष्ण रूपी पर्वत को कैसे आकर्षित कर लिया। ये आश्चर्य, पर्वत कहीं हिलता है क्या, पर्वत का तो नाम ही है अचल, जो चले नहीं, पर उस राधिका को उस अचल कृष्ण को भी हे श्री राधिके तुमने कैसे अपने कटाक्ष मात्र से अपने पास में खींच लिया, आश्चर्य की बात है। तो अविरल वनमाला अलंकृत ही, अब पर्वत में भी ये गुण विराजमान होंगे और कृष्ण में भी ये विशेषण लगेंगे। पर्वत कृष्ण भी कैसे हैं, नहीं पर्वत कैसा है, पहले पर्वत का पर्वत कैसा है, बोले अविरल वनमाला अलंकृत ही जो निरंतर निरंतर घनी वनमाला से सुशोभित है।
तो पर्वत तो घनी बनमाला से सुशोभित, जैसे पर्वत बनमाला से सुशोभित ऐसे श्री कृष्ण भी घनी बनमाला से सुशोभित होकर के विराजमान। कृष्ण ने गले में बनमाला डाल रखी है तो बनमाला के दो अर्थ हो गए, पर्वत के अर्थ में हो गया बन समूह और कृष्ण के अर्थ में हो गया कि उन्होंने बनमाला धारण कर रखी है। अभिरम माने घनी बनमाला, उनसे अलंकृत जिनकी स्निग्ध माने मनोहर मूर्ति है। और श्री कृष्ण कैसे हैं, स्फुरित कटक कांति, जिन्होंने अपने हाथ में एक मोटा सा कड़ा उसको धारण कर रखा है, और वो कड़ा जिन्होंने ऊंचा सर कर रखा है कफोड़ी, उस कफोड़ी तक जिन्होंने कड़े को अटका रखा है। ये फैशन है ये भी कृष्ण की रसिकता, जो रसिक श्रोमणी है उनके विशेष रूप श्रृंगार में हाथ में एक मोटा कड़ा और उसको कहीं ऊंचा सरका करके रहना, पहुंची के ऊपर कभी ऊंचा कर रहे हैं कभी ऊंचा कर रहे हैं, ऐसे है ये रसिक की रसिकता है। तो उसका वर्णन कर रहे हैं ये स्फुरित कटक कांति। श्री कृष्ण ने, कृष्ण के अर्थ में होगा कि जिन्होंने कटक माने बड़ा कड़ा, उसकी कांति से जिनकी शोभा हो रही है। और धातुभिर्मण्यतांग, जो धातु माने गेरु, उनका भी चित्रां जिनके कपोलों के ऊपर भुजाओं के ऊपर गेरु से जिन्होंने अपना अपूर्व चित्रां कर रखा है, धातुभिर्मण्यतांग। पर्वत के अर्थ में अर्थ होगा स्फुरित कटक कांति, जिस पर्वत की निकट की उपत्ति का, निकट का जो भाग है उसको कहते हैं कटक, पर्वत के नीचे का जो भाग है उपत्यका का उसको कहते हैं कटक। तो स्फुरित कटक कांति ही, जिसकी उपत्यका की भूमि बड़ी चमक रही है। और धातु भी मन्यतांग, पर्वत में गेरु इत्यादि धातु भी होती हैं, तो उन धातुओं से सुशोभित जैसे पर्वत, ऐसे श्री कृष्ण भी एक पर्वत के समान हैं, जिनने हाथ में सोने का कटक धारण कर रखा है, कड़ा धारण कर रखा है। और मन्यतांग धातु से सुशोभित जिनका अंग है। अब पर्वत भी कैसा होता है, पर्वत के अर्थ में कि अखिल भुवन तुंगा, जो संपूर्ण भुवन में ऊंचा होकर के विराजमान है, अखिल भुवन तुंगा। और नेत्र भंग्या विपिष्टा, ऐसे पर्वत भी ऊंचा और श्री कृष्ण भी कैसे हैं, बोले अखिल भुवन तुंगा, जो ऊंचे होकर के विराजमान है, माने परम सुंदर जिनकी शोभा है। अखिल भुवन में जो सर्वश्रेष्ठ तुंग मुकुटमणि नायक शिरोमणि होकर के विराजमान है। और धातु नेत्र भंग्या विपिष्टा, ऐसे पर्वत को भी, कृष्ण रूपी पर्वत को भी, हे श्री राधिके तुमने कैसे नेत्र भंग्या विपिष्टा, अपनी नेत्र भंगिमा मात्र से खींच लिया। तो कथमे सखे राधे कृष्ण शैलस्त्वया, हे श्री राधिके तुमने कृष्ण रूपी शरीर को कैसे अपने कटाक्ष के द्वारा बरबस खींच लिया है। यहां पर श्लेष और रूपक इन दोनों अलंकारों का परम सुंदर संयोग प्राप्त होता है। और दोनों अलंकार, श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार, इन दोनों का कहीं अपूर्व दिव्य संकर उत्पन्न हो रहा है, दोनों मिले हुए विराजमान। शंकर वहां होता है जहां पर दो अलंकार दूध और पानी की तरह से मिले हुए हो, उसका नाम है शंकर। संयोग वहां होता है जहां तिल तंदुल की तरह से मिला जाए, जैसे चावल में तिल अलग अलग भी हैं, दीख अलग अलग रहे हैं, परंतु दिल अलग अलग है भी और मिले हुए भी है, तो उसका नाम है संयोग और शंकर। तो संयोग
दो अलंकारों का संयोग वहां होता है जहां पर दोनों अलंकार साफ साफ दिखे। शंकर वहां होता है जहां दूध और पानी की तरह से दोनों मिले हुए हो। यहां पर जो श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार इन दोनों का शांकर्य प्राप्त हो रहा है, अलंकार शांकर्य उनकी प्राप्ति हो रही है। ये तिल तंदूर की तरह से नहीं बल्कि नील क्षीर की तरह से दोनों अलंकार मिले हुए हैं, दूध और पानी की तरह से मिले हुए हैं। माने जितने भी विशेषण दिए गए वे सारे विशेषण एक दूसरे के साथ में अत्यंत अत्यंत मिले हुए हैं। कि अगर वनमाला सुंदर वनमाला से युक्त है, श्याम सुंदर के अर्थ में वनमाला का अर्थ हुआ वनमाला, और पर्वत के अर्थ में वनमाला का अर्थ हुआ वन की पंक्ति। स्निग्ध मूर्ति दोनों हैं, पर्वत के अर्थ में कटक का अर्थ हुआ पर्वत की उपत्ति का, कृष्ण के अर्थ में कटक का अर्थ हुआ जिन्होंने अपने हाथ में बड़ा सुंदर कड़ा धारण कर रखा है। धातु के पर्वत के अर्थ में धातु का अर्थ हुआ गेरु, और श्री कृष्ण ने भी अपने श्रीअंग में सुंदर पत्रावली उनको धारण कर रखा है। गेरु चंदन इनके द्वारा अल्पना उनको अपने श्रीअंग में धारण कर रखी है। पर्वत भी अखिल भुवन तुंग है, और श्री कृष्ण भी गुणों में नायकों में मुकुटमणि होकर के विराजमान है। ऐसी उन कृष्ण को, कृष्ण शरीर को तूने कैसे राधे के अपने कटाक्ष से खींच लिया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रिय वेत में तमस्तमी संभवम वयस्यो आयु, बोले हे प्रिय विश्वास नहीं हो तो मेरे इस मित्र से पूछ लो, मधुमंगल से पूछ लो। वेत में तमह, ये मधुमंगल मेरे कष्ट को बहुत अच्छी तरह से जानता है, मेरे विराव आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मैं हे श्री राधे के आपसे मिलने के लिए कितना व्याकुल था। मां झूठा स्वयं तो अटक रहे हैं चंद्रावली जी के पास में, तो श्री प्रिया जी के सामने बिल्कुल दुष्ट नायक बनकर के कह रहे हैं कि वेत में तमह, विश्वास नहीं हो तो मेरे सखा से पूछ लो, ये मेरे हृदय के तम को, मेरे हृदय की पीड़ा को जानता है। तमी संभवम, जो विरह तमी माने रात्रि से उत्पन्न होने वाला था, रात्रि में उत्पन्न होने वाले तमी में, तमी माने रात्रि, रात्रि में उत्पन्न वाले होने वाले मेरे विरह को ये मेरा मित्र बहुत अच्छी तरह से जानता है। वैसे आयु ये मित्र, तो वेत में तमा मेरे कष्ट को ये मित्र जानता है कि रात भर मैं कितना व्याकुल रहा हूं। श्री राधिका कह रही है कि आर्य दर्शितम अद्य स्नेह